भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्णिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यताय देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौतसे नमः। वंचकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम क्लास में, जहाँ पर हम रोजाना श्रीमद्भागवतम का संक्षिप्त में वर्णन या चर्चा कर रहे हैं। अभी हम श्रीमद्भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 8 से आज आगे उल्लेख करेंगे। स्टार्टिंग के श्लोकों में देखा है, ये इस अध्याय का नाम है स्केड्यूल्ड इनकार्नेशंस, जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं उनका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी करते हैं। अभी तक वराह देव के इनकार्नेशन का वर्णन हो चुका है, मनवंतर अवतार का वर्णन हुआ है, कपिल देव, दत्तात्रेय, चार कुमार और नर नारायण ऋषि का उल्लेख हुआ है। और अब 8वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर्पट से पढ़ेंगे। सो व्हाइल डूइंग दिस, आप लोग जब हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा श्लोक पर और सोचिएगा या समझने का प्रयत्न करिएगा कौन से इनकार्नेशन का वर्णन हुआ है। ऑलराइट, ट्रांसलेशन मत देखिएगा, श्लोक पे ध्यान दीजिएगा, ताकि अगर हम ऐसा एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा हम संस्कृत पे भी ध्यान देंगे और उस प्रकार थोड़ा धीरे धीरे हम संस्कृत सीख सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 8। विद्धा सपत्नी उदिता पत्रिभिरन्तिराग्यो बालोपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाध्रवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यद् उपरि अधस्तात्। एनी गेसेस, किसके पास टाइम का वर्णन हो रहा है यहाँ पर?
तो ध्रुव महाराज, यहाँ कुछ श्लोकों में डायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्ट नाम रहेगा, कुछ में यहाँ ध्रुव महाराज की लीला का वर्णन हो रहा है। ध्रुव महाराज को जो दर्शन हुए थे भगवान के, उनका नाम है प्रश्नी गर्भा, तो उन इनकार्नेशन का उल्लेख हो रहा है यहाँ पर। तो ये ध्रुव महाराज की कहानी विस्तार से चौथे स्कंद में आती है, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त में इस कहानी और यहाँ पर जो बताया गया वो यही है। Let's read the translation, then we'll speak something on it. राजा की उपस्थिति में सौतेली माता की कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। So, बहुत सारी शिक्षाएं सीखने को हैं इस लीला से ध्रुव महाराज की। बस संक्षिप्त में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें शिक्षा ध्रुव महाराज के पास टाइम से मिलती है वो है डिटर्मिनेशन। 5 साल का बालक, भौतिक इच्छा के प्रति भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना, तो क्या डिटर्मिनेशन था, क्षत्रिय खून ब्लड। सो जब उनकी बेइज्जती हुई उनके पिता के द्वारा, उनकी सौतेली माँ के द्वारा, वो इतना ही क्रोधित हो गए कि मैं बदला लूँगा। कैसे बदला लूँगा, मैं अपने पिता को अपने से छोटा दिखाऊँगा, मैं अपने पिता के पिता के पिता, मतलब ब्रह्मा से भी सर्वश्रेष्ठ राज्य प्राप्त करूँगा। इनके पिता का नाम था उत्तानापाद, उत्तानापाद के पिता का नाम था स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता का नाम था ब्रह्मा। सो आई वॉन्ट अ किंगडम ग्रेटर देन द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ माइन। उस इच्छा से वो अपनी माँ सुनीता के पास पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण आता है, जब माता पिता अध्यात्म जीवन का पालन करते हैं तो उनकी सलाह का असर कितना प्रभाव, या कितना प्रभाव पड़ता है। उनकी माँ यहाँ यू नो रेदर देन कंप्लेनिंग अबाउट हर स्टेप वाइफ और स्टेप सिस्टर, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो उनको सांत्वना देती हैं। वो कहती हैं, ध्रुव महाराज, जो भी हे ध्रुव, जो भी तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है इज एक्चुअली अ फैक्ट। आई एम नॉट द फेवरेट क्वीन ऑफ योर फादर, शी इज़ द फेवरेट क्वीन, एंड बट सर्टेनली हर सन वुड बिकम द नेक्स्ट किंग। लाइक दैट शी एक्चुअली एक्नॉलेजेस एंड शी सेज, बट ध्रुव सेड, माँ मेरा मन बहुत क्रोधित है, आई वॉन्ट द किंगडम ग्रेटर देन माई ग्रेट ग्रैंड फादर, आप मेरी मदद करिए, मार्गदर्शन करिए। एंड देन सुनीति सेड, ध्रुव, मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि हमारी कोई भी इच्छा, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी, कोई भी हमारी इच्छा हो हमें उसके लिए भगवान विष्णु को अप्रोच करना चाहिए। तो ध्रुव ने पूछा, कहाँ मिलेंगे मुझे ये विष्णु, 5 साल का बालक है, उनको कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, खेलने कूदने की उम्र है वैसे भी। तो माँ कहती है सुनीति कि मैंने सुना है विष्णु को जंगल में तपस्या करके पाया जा सकता है। उसी समय ध्रुव महाराज अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और 6 महीने एक सेमेस्टर के उपरांत, राइट, इतना लंबा सेमेस्टर होता है ना कॉलेज में, एक सेमेस्टर के उपरांत उनको भगवान के दर्शन होते हैं। उनका नाम है प्रश्नी गर्भा, जिनके अवतरण का वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा करते हैं। और फिर ध्रुव की इच्छा थी अपने पिता से भी बड़ा, अपने ग्रेट ग्रैंड फादर से भी बड़ा राज्य मिलना चाहिए, तो भगवान उनको भक्ति भी देते हैं, साथ ही साथ उनको उनके मतलब ब्रह्मा से भी बड़ा किंगडम क्या है वो वैकुंठ प्लैनेट उनको देते हैं। तो उनके लिए एक नया प्लैनेट बनाते हैं इस ब्रह्मांड में, जिसका नाम है ध्रुवलोक, जो आपके स्वर्गलोक और सप्तऋषि के ग्रह के ऊपर आता है ध्रुवलोक, और फिर वहाँ से आते हैं आपके जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि इस प्रकार से। सो ध्रुवलोक इस ब्रह्मांड का यू नो शैंडलियर होता है, शैंडलियर का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अराउंड शैंडलियर घूमता है, दैट इज़ व्हाट ध्रुव प्लैनेट इज कंसिडर टू बी। सो इट्स अ वैकुंठा इन द मेटेरियल वर्ल्ड, उसका वर्णन है यहाँ पर। लेट्स रीड फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ, प्रभुपाद इस प्लैनेट का उल्लेख करते हैं 3rd पैराग्राफ में। आपको मिला, the planet awarded to Prince Dhruva Maharaj is a fixed Vaikuntha planet.
राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा। तो जब नैमित्तिक का प्रलय होती है ब्रह्मा के दिन के समाप्त होने के बाद, स्वर्ग तक सब नष्ट हो जाता है परंतु ध्रुव महाराज का ध्रुवलोक नष्ट नहीं होता। आगे पढ़िए। क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है, इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर हैं उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक से ऊपर स्थित है। नेक्स्ट। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए प्रश्नी गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध में पढ़ने को मिले। यस। टेक्स्ट नंबर 9। ऑलराइट, अगेन गेस व्हिच पास्ट टाइम हैज बीन डिस्कस्ड। यत्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्रा निष्प्लुष्टपूरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभि दुग्धावसुनिवसुधाशकलानि येना। किनके पास्ट टाइम का वर्णन हो रहा है यहाँ पे? ये चौथे स्कंद में आने वाला दूसरा पास्ट टाइम है, येना वेना, किंग वेना। तो यहाँ पे जो भगवान का शक्तिवेश अवतार अवतरित होता है कौन है? पृथु महाराज। आपकी भागवतम की जनरल नॉलेज की परीक्षा हो रही है अभी। ऑलराइट, ट्रांसलेशन पढ़िए। महाराज वेन कुमार्ग गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने व्रज शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उसे सभी प्रकार की उपजें प्रदान की। बहुत बहुत खूबसूरत पास्ट टाइम है। काफ़ी काफ़ी चैप्टर्स में इसका वर्णन आता है। जो फिलहाल जो ये वर्णन हुआ है यहाँ पर, वेन का किस प्रकार पतन होता है, किस प्रकार ब्राह्मणों से शाप मिलता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सिखाता है और देता है किस प्रकार हर व्यक्ति को महान भक्तों के प्रति अपराध करने से हमेशा बचना चाहिए। क्या कहेंगे उसको? सतर्क रहना चाहिए। आई मीन टू से सतर्क रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी अलर्ट नॉट टू कमिट एन ऑफेंस। वेना इस पूरे पृथ्वी का राजा होने के बावजूद, वो मतलब बावजूद इन द सेंस ही वॉज क्वालिफाइड, तभी तो वो राजा बना, इतना शक्तिशाली सब कुछ होने के बाद, बट उसके अंदर संस्कार नहीं थे, उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। वो असुर की तरह व्यवहार करने लगा, भगवान को नकार के वो ब्राह्मणों को बोलने लगा, मैं ही भगवान हूँ, मेरे नाम की आहुति चढ़नी चाहिए। तो ब्राह्मणों ने उसी की आहुति चढ़ा दी। सो ब्राह्मण ने कहा था, हेल विद यू, वी पुट यू इन टू द सेक्रीफाइस ऑनली लाइक दैट। अब वेना का सर्वनाश होता है। दूसरी चीज प्रभुपाद तात्पर्य में चर्चा करते हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। हमें हमारे इतिहास की किताबों में, पिक्चरों में, कॉमिक्स में इस प्रकार दिखाया गया कि ऑटोक्रेसी इज वेरी वेरी हार्मफुल। ऑटोक्रेसी मीन्स मोनार्क, एक राजा का होना मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। अगर राजा वो घमंडी हो जाए तो सबका सर्वनाश कर सकता है। यस, पिछले हजार सालों में मुगलों के आने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा जब मुगल राजा बने इत्यादि। सो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति में एटलीस्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कैसे राज्य काल हुआ करता था? राजा हुआ करते थे, राजा सारा डिसीजन लिया करता था, पर उसके डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं होते थे। उस राजा के लिए एडवाइजरी बोर्ड होता था जो ब्राह्मणों का होता था,
और वो उन ब्राह्मणों के संग चर्चा करके किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे डिसीजन लिया करता था। और अगर ये राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगे, भगवान के दिव्य नियम मतलब वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करने लगे, धर्म का अनादर करने लगे, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो आपके एडवाइजरी बॉडी है ब्राह्मण, वो इस राजा को हटा सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों ने वीणा को हटाया, उस प्रकार का वर्णन करते हैं प्रभुपाद यहाँ पर। एंड दूसरी बात प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, ये जो ब्राह्मण थे, तो आप बोलेंगे प्रभु जी एडवाइजरी बोर्ड का भी क्या फ़ायदा है, यू नो लोग पैसा दे के खरीद सकते हैं उनको, यू नो अगर आपके पास पैसा है शक्ति है एडवाइजरी बोर्ड का, यहाँ तो चीफ जस्टिस को खरीदा जा सकता है, तो यू नो क्या करना एडवाइजरी बोर्ड का। तो प्रभुपाद वही लिखते हैं, ये जो एडवाइजरी बोर्ड था ना, इट वॉज नॉट पेड एम्प्लॉयज। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप वैदिक संस्कृति को समझने का प्रयत्न करें ना, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। ब्राह्मणा जो आपको सलाह दें, जिससे आप गाइडेंस लें, वो आप पर कभी निर्भर नहीं करते थे, समझने वाली बात है। अगर आप जिस व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति आप पर निर्भर करता है, आप पे किसी भी कारणवश डिपेंड करता है, तो कभी वो सही सलाह नहीं देगा। वो क्या सलाह देगा? जो आप सुनना चाहते हैं। यस, क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट मतलब खरीदार मुझसे गुस्सा हो गया, तो किसी और दुकानदार पे चला जाएगा, तो मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही कभी ब्राह्मण सोचते नहीं हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जो कुल हुआ करता था उस समय में, वो इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होता था, यू नो विच मीन्स वो कभी भी किसी पर निर्भर नहीं करता था, हमेशा सत्य वचन बोलता था जो सामने वाले व्यक्ति के हित की हो। जैसे कि विदुर जी, यू नो ही वॉज लाइक एक्टेड ऑन अ ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म, जहाँ धृतराज का एडवाइजर हो के कभी भी धृतराज के धुन में धुन नहीं लगाई, या कभी क्या नाम है दुर्योधन की वाणी नहीं बोली। उसको पता था मैं बोलूँगा, मेरे कहते हैं ना सत्य वचन कठोर वचन होते हैं, मैं बोलूँगा बुरा लगेगा। विदुर को दो बार राज्य से निकाला गया, हम लोग को यू नो पता है कि एक बार निकाला गया जब दुर्योधन ने कहा, उससे पहले धृतराष्ट्र ने भी निकाला था। ये उस समय की बात है जब पांडवों को वन भेजा गया था, जब वनवास शुरू ही हुआ था, उस समय विदुर जी को बहुत बुरा लगा था कि इस प्रकार धोखा देके करा गया है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को आके डांटा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उस समय धृतराष्ट्र जो फाइनली सोचा कि चलो संकट हटा, पांडव गए, ऊपर से विदुर जी आके धृतराष्ट्र को डांटते हैं, तो धृतराष्ट्र को अब लगा कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो मेरी गद्दी को छीनने वाला युधिष्ठिर हमारा चला गया है, तो मुझे विदुर की भी आवश्यकता नहीं है। तो विदुर को बोलते हैं तुम चले जाओ यहाँ से, तुम दुश्मन के साथ मिले हुए हो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो धृतराष्ट्र उस समय विदुर को निकाल देते हैं, विदुर जंगल में जाते हैं, पांडवों के संग रहते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद फिर धृतराष्ट्र अपने सारथी को भेज के विदुर को वापस बुलाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को समझ आता है कि वो पूर्ण रूप से विदुर पर डिपेंडेंट थे कुछ भी डिसीजन लेने के लिए इस प्रकार से, क्योंकि वो अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसके लिए एक सच्चे आदमी की आवश्यकता थी, जिससे सलाह मशवरा करके वो डिसीजन ले सके। राइट, सी यू आर अ किंग, यू नो इट्स अ पॉलिटिकल पोजिशन, और आपको उस समय वहाँ पर बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि आप किससे सलाह मशवरा कर रहे हो, कोई धोखा ना दे सके। तो यू न्यू विदुरा का कोई इंटरेस्ट नहीं है राजा बनने का, and then he calls back. So that is the point which is explained here. तो इसलिए हमारे आज के context में क्या मतलब है, जो ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम का पालन करते हैं, उनको इस प्रकार you know जीवन का पालन करना चाहिए, अर्थात मतलब सच बोलने से नहीं कतराना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी dependency है you know मेरी student के ऊपर या मेरी congregation के ऊपर, क्योंकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या जिस प्रकार से भी। एक्चुअली दैट यू कैन नॉट बी अ लीडर देन, यू हैव टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। और हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होनी चाहिए? सिर्फ भगवान के ऊपर। वह गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, गृहस्थ जीवन में थोड़ी डिप्लोमेसी थोड़ा पॉलिटिक्स चलता ही है, क्योंकि तुम्हें बाहर की दुनिया के संग रहना है, तो देयर इज ऑलवेज बिकॉज पैसा का खेल है, तो वहाँ पे थोड़ा होता है। बट ब्राह्मणों को इसलिए उस चीज़ का उल्लेख किया गया। तो सोचो क्या सिस्टम था, एक ब्राह्मण राजा को सही सलाह देने से नहीं कतराता,
और राजा क्या है, ब्राह्मणों की सलाह का पालन करता है। जैसे दशरथ, जब विश्वामित्र मुनि आए थे तो वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को क्या कहा, दशरथ महाराज राम को नहीं भेजना चाहते थे और विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आ गया, बोला हे राजा तुमने वचन दिया है, तुम्हें अपने वचनों का पालन करना पड़ेगा, तुमने कहा कि आप कुछ भी मांगो मैं दूंगा, तो मैंने तुम्हारा बेटा मांगा है और तुम मुझे कह रहे हो मुझे मैं अपना बेटा नहीं, आप चाहो तो मैं आ जाऊँ, मुझे तुम्हें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे दशरथ महाराज घबरा गए, क्या करें अब। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, पूछते हैं हे गुरुदेव मैं क्या करूँ, है ना, मना करूँगा तो शाप मिलेगा, राम को भेजूँगा तो वो शाप से भी बड़ा दंड है, तो मैं क्या करूँ। तो वशिष्ठ मुनि से मैं क्या कहते हैं, दशरथ के धुन में धुन लगा कर बोलते हैं हाँ मैं आता हूँ, विश्वामित्र को समझाता हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, कहते नहीं, आपको अपने वचनों का पालन करना ही पड़ेगा। सो दैट्स अ पॉइंट। सो दैट वाज अ सिविलाइजेशन, दैट वाज अ कल्चर। इसलिए जो मोनार्क होता था, जो राजा होता था, वो सही रूप से शास्त्र अपने राज्य का देखभाल किया करता था। दैट्स अ पॉइंट। टेक्स्ट नंबर 9, वो टेक्स्ट नंबर 9 तो हो गया ना, टेक्स्ट नंबर, हाँ, हम इसमें एक और बात कर रहे थे डिसओबीडियंस की, तो उसका उल्लेख प्रभुपाद तीसरे पैराग्राफ में करते हैं। तीसरा पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। महाराज वेन ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय वाले थे और अपने हित का चिंतन न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। तो उसका ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन ना करके उनका उनको इंसल्ट करके वेना को क्या हुआ, क्या मिला, वो अगले पैराग्राफ में है, बोलिए। उन्होंने राजा वेन को उनके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घ आयु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। एंड दैट्स अ पॉइंट। अगर हम साधुओं का, भक्तों का, वरिष्ठों का आगे का पालन, साथ ही साथ वी मिसबिहेव विद देम, सॉरी मुझे हिंदी वर्ड समझ नहीं आया, क्या कहना है, स्वयं दुर्व्यवहार करते हैं, सो इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार वी लूज ऑल अवर ऑपुलेंसेस। दैट्स अ पॉइंट हियर। टेक्स्ट नंबर 10 नाउ। नाभि असावर्ष भा अससु देवी सूनु यो वै चचार समद्रक जड़ योगचर्याम यत पारहंस मृषया पदमामनंती स्वस्था प्रशांत करना परिमुक्त संघा। ये आने वाले कैंटो में किन किन प्रमुख अवतारों का वर्णन है, तो यहाँ पे संक्षिप्त में बताया गया। किन किन अवतार का वर्णन लग रहा है, किस लीला का? ऋषभ देव। कैसे पता चला ऋषभ देव? हाँ, कहाँ पे है ऋषभ नाभि? हाँ, ऋषभ आश्रय। यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट। और दूसरा है जड़ योग, यू नो मेटेरियलिस्टिक योगा जिसको कहा जाता है, और व्हाट्स अ वर्ड, मैं भूल गया। एनीवेज, सो ये जो कहानी है ऋषभ देव की, ये कहानी श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में आती है और ऋषभ देव की अपने 100 पुत्रों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पांचवें और छठे अध्याय में दी गई हैं पांचवें स्कंद की, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं। सो ट्रांसलेशन प्लीज। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। कलयुग में आकर, कलयुग जो स्टार्ट हुआ तो उस समय जैनिज्म धर्म की शुरुआत होती है, उसका उल्लेख प्रभुपाद इन तात्पर्य में करते हैं पांचवें स्कंद के। और वहाँ पे एक राजा जो थे उस समय, जो वैदिक संस्कृति को नकारते हुए उन्होंने ऋषभ देव जी के द्वारा जो तपस्या का जो एक उदाहरण प्रकट किया था उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उस प्रकार, यू नो, कठोर तपस्या जिसको जड़ योग कहा गया है उसका एक प्रकार से उसका पालन करना शुरू करा। तो हमारे जैनिज्म में सबसे पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव जी हैं।
क्योंकि उन्हीं के जीवन शैली के ऊपर जो कठिन तपस्या होनी चाहिए उस प्रकार जैनिज्म में पालन होता है, और उसका विस्तार से चर्चा आता है पांचवें स्कंद में। तो जैसे हम पहले वर्णन कर चुके हैं, ईशोपनिषद की कक्षा में हमने वर्णन करा था जब वेदास के बारे में बात करा था, जो इंडियन फिलॉसफी है वो दो भागों में बटी हुई है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में कौन से आते हैं, यू नो सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, यू नो जैसे योग सूत्रास हो गया, कर्म मीमांसा फिलॉसफी हो गई, ज्ञान इत्यादि। तो यहाँ पर भगवान कौन है कुछ आइडिया नहीं है, वो अलग अलग चीज़ को भगवान का या इस सृष्टि का स्रोत मानते हैं। बट क्योंकि ये वैदिक संस्कृति के ऊपर निर्धारित है, यहाँ पर यू नो जो भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ये फिलॉसफीज़ एस्टैब्लिश करी वैदिक शास्त्रों के ऊपर, वो उनका भगवान का रियलाइजेशन है, उनके भगवान का रियलाइजेशन का स्तर है, उसके अनुसार उन्होंने वो फिलॉसफी एस्टैब्लिश करी। पर एक नास्तिक मार्ग आता है, जहाँ नास्तिक मार्ग में आता है आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म नास्तिक मार्ग में क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शास्त्र को नकार दिया। जब आप शास्त्र को ही नकार देंगे, जैसे बुद्धा जी का जो इनकार्नेशन था, बुद्धा जी का इनकार्नेशन था अहिंसा को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत हिंसा चल रही थी, तो उन्होंने अहिंसा को स्थापित करने के लिए किसको नकारा, वैदिक शास्त्र को, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों का ही दुरुपयोग करके हिंसा कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के यज्ञों में जानवरों की आहुति दी जा रही थी। तो जब जब बुद्धा जी ने शास्त्र को ही नकार दिया, तो प्रश्न बनता है जब शास्त्र नकार दिए गए तो अब भगवान की प्रस्तुति कहाँ से होगी, हाँ या ना। भगवान की प्रस्तुति या भगवान को स्थापित करने के लिए तो शास्त्र का ही सहारा बनता है, तो इसलिए बुद्ध की टीचिंग्स में या बुद्धिज्म में भगवान का कोई विश्लेषण ही नहीं है। उसी प्रकार जैनिज्म के अंदर भी भगवान का कोई विश्लेषण नहीं है, एक प्रकार शून्यवादी या निरंकार माना जाता है, तो उसको नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक यू नो इंडियन थॉट्स ऑफ जो है फिलॉसफी। तो यहाँ प्रभुपाद जड़ योग के बारे में बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये क्या जड़ योग है, तात्पर्य में बताते हैं, कुछ लाइन पढ़ी है तात्पर्य की, पैरा पैरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन कर तपस्या के मामले में कैनॉट बीट प्रैक्टिशनर्स ऑफ जैनिज्म। मेरा दोस्त था, अभी भी शिकागो में ही रहते हैं वो, तो हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े थे, इस जैनिज्म जैन धर्म का पालन करते हैं, एंड यू नो उनके नियमों के अनुसार आपको पहले जैसे हम निर्जल करते हैं ना, तो उनका भी निर्जल रहता है, एक दिन का, फिर तीन दिन का, फिर सात दिन का, फिर दो हफ्तों का, फिर एक महीने का, लाइक दिस एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइफ दे हैव यू नो दे डू दिस काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। आई मीन इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। जहाँ मैं बचपन में यू नो द प्लेस वेयर आई ग्रू अप, आस पास वहाँ पर जैनिज्म के सेंटर्स काफ़ी थे, तो अहिंसा इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ देयर यू नो वन ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, सो वेरी वेरी कॉन्शियस, दे विल यू नो पुट दिस क्लॉथ ऑन देयर माउथ। उनके कभी आप गेस्ट हाउस में रहने जाएंगे तो हर पानी के टैप जो होता है, टंकी कहते हैं, नल कहते हैं, उसमें हमेशा एक कपड़ा बंधा रहेगा, यू नो द मैक्सिमम वे नॉन वायलेंस प्रिंसिपल कैन बी फॉलोड। जो इनके योगी या योगिनीज या जो भी गुरु हैं, जो भी हैं, वो बिना चप्पल के दिल वॉक विदाउट स्लीपर्स ऑन द हाईवेज। आप में से बाड़ा कोई गया है, यू नो बाड़ा जब जाते हैं हम अपना, वहाँ पे बहुत सारे जैनिज्म के स्थल हैं, वहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, तो आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे देखेंगे पैदल चलते हुए, यू नो
जैसे ऋषभ देव जो है, तो जैनिज्म में भी अब कई भाग आ चुके हैं, तो एक भाग है जहाँ ऋषभ देव जी ने अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया था, नग्न अवस्था में वो जाकर जंगल शहर में भटका करते थे, जड़ योग का जिसका वर्णन है। तो आज भी जैनिज्म में एक मार्ग में वहाँ पर उनके आई डोंट नो दे कॉल गुरु और व्हाट, आई डोंट नो द डिसिप्लिन व्हाट इज अ नेम कॉनोटेशन, वहाँ पे भी उसमें आज की तारीख में भी कुछ लोग कपड़ों को त्याग देते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो तपस्या के मामले में देर इज आई नो नो कंपेरिजन, वेरी वेरी एंड पॉइंट ऑफ एंड द ब्यूटी ऑफ तपस्या इज जो व्यक्ति तपस्या करता है, इंद्रियों पे संयम करने का प्रयत्न करता है, यू नो दे फॉलो ऑल द रेगुलर प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्टली, यू नो उस प्रकार से धर्म का पूरा पालन करते हैं, तो क्या होता है व्यक्ति के अंदर सत्वगुण आता है। इसलिए आप जो इनसे मिलेंगे ना जैनिज्म से, बहुत शांत बड़ा ही अच्छे व्यवहार के व्यक्ति, यू नो ऐसे नहीं कि उत्तेजित या क्रोधित, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, हो सकता है किसी का अलग एक्सपीरियंस ना हो, बट जनरली तो उस प्रकार से। सो यहाँ पे इस प्रकार ये जड़ योग का वर्णन आगे पढ़िए और भी बताएंगे किस प्रकार से ऋषभ देव ने करा था। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधना की सहायता के सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़ कर, बालों को हाथ से उखाड़ा जाता है। यहाँ हमारे भक्त खिचड़ी नहीं खा सकते, यहाँ पर इसमें तपस्या में क्या है, बालों को हाथों से उखाड़ा जाता है। आगे पढ़िए। किंतु ऐसे जड़ियों की साधना का वास्तविक उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना। प्रभुपाद ने क्या कहा, तुम प्रसादम खाओ अपने आप तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। टेक प्रसादम, बट सिंग डांस एंड ईट, व्हाट डिड प्रभुपाद से दैट स्टेटमेंट, सिंग डांस एंड सिंगिंग डांसिंग एंड ईटिंग फीस्टिंग फीस्टिंग सिंगिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग एंड गो बैक टू गॉड, दैट्स अवर ऑस्टेरिटी अवर तपस्या, गो अहेड। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे, उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नग्न घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की तरह दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानवीय सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। कोई होगा कहेगा, अरे प्रभु जी ये तो छोटे बालक होते हैं वो भी ऐसी करते हैं, उनमें बिल्कुल समझ नहीं होती तो अपने स्टूल में लेट पेट जाते हैं। हाँ सुनो, प्रभुपाद कह रहे हैं देयर स्टूल वाज हिज स्टूल वाज फ्रेग्रेंट नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी, यू नो। सो एनीवेज दीस डिटेल्स विल स्टडी इन द फिफ्थ कैंटो व्हेन वी कम, सो घबराइए मत, आपको आज ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग बड़ा ही सरल है उस प्रकार से, बट ये भी एक मार्ग हुआ करता था एक काल में एक समय पे जहाँ पे इससे आत्म साक्षात्कार हुआ करता था। टेक्स्ट नंबर 11। सत्रे ममांसा भगवान हया शीरसाथो साक्षात यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णा चंदोमयो मकमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवु उशति शवष्टोस्य नष्टा। ये थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी किसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर, हयग्रीव, यस हया शीर्षाथो पहले लाइन में जो वर्णन है, प्लीज पढ़िए हयग्रीव के बारे में। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए, वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है, वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों के समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। पर पढ़िए पहली कुछ लाइन। वैदिक स्तोत्र प्रायः उन सकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। जो वेद की जो ये ऋग साम यजुर अथर्ववेद, पहले तो एक ही वेद हुआ करते थे,
एक जगह यजुर्वेद कहा गया, एक जगह ऋग्वेद भी कहा गया, एनी वेज वॉट एवर वी यूज टू कॉल इट बिफोर। तो एक्चुअली वेदों के अंदर मंत्र हैं अलग अलग देवताओं के प्रति आहुति अर्पण करने के लिए, जो कि प्राइमरली जब यज्ञ किया जाता है उसमें उपयोग होते हैं। पर्टिकुलरली जो अब ऋग्वेद जो सेक्शन है वेदास का, उसमें इसी प्रकार के सब मंत्र आते हैं। तो ये वेद क्या है? वेद अलग अलग भागों से एक श्रुति और स्मृति होता है। तो ये हुई वेद की कहानी जहाँ पे वेद इस प्रकार मंत्र आते हैं। तो सारा ज्ञान कहाँ आता है? वो वेदों का उपभाग है, जहाँ पे आयुर्वेद धनुर्वेद इत्यादि ज्ञान मिलता है। साथ ही साथ आपके पुराण आते हैं, साथ ही साथ इतिहास आता है, साथ ही साथ उपनिषद आता है। ये सब क्या है, इनमें क्या अंतर है? पुराण क्या है? जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, काफ़ी अलग अलग प्रकार के पुराण हैं। पुराण का मतलब है इतिहास, कहानियाँ, केवल इस युग या इस महायुग या सिर्फ इस कल्प की नहीं, पहले कल्प की भी हो सकती है, मतलब ब्रह्मा के पहले साल के पहले दिन की। सो जो पुराण है वो बहुत बहुत विशाल, जैसे कि एक स्कॉलरली डिवोटी हमारे इस्कॉन के बता रहे थे, अगर कोई श्लोक आपको पढ़ने को मिलता है और उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है तो बाय डिफॉल्ट वो पद्म पुराण से ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा है पद्म पुराण, स्कंद पुराण, तो उसमें सारी की सारी कहानियाँ हैं, बट ओनली कैचेज वो सिक्वेंशली नहीं है। तो कोई अगर व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे तो समझ नहीं आता, वो डिसकनेक्टेड स्टोरी है, मतलब एक चैप्टर में एक समय की एक बारी में एक ही कहानी चल रही है, दूसरे चैप्टर में कोई और कहानी चल रही है। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड। तो उसको और आसान करने के लिए फिर व्यासदेव जी ने रचना करी इतिहास। तो पुराण के अंदर इतिहास है, बट बहुत सारा इतिहास है। फिर इतिहास नाम का टेक्स्ट उन्होंने उसका रचना करी, जिसमें आते हैं महाभारत और रामायण। रामायण कैसा इतिहास है? राम की कहानी, उसका इतिहास, तो उसको कहा जाता है इतिहास। महाभारत में किसकी कहानी है? कौरवों के परिवार की, तो उसको कहा जाता है इतिहास। वहाँ पे और किसी की कहानी नहीं है, वो ऐसे नहीं कि कहीं और इधर उधर की कहानी आ रही है, पर कौरवों से रिलेटेड जो कहानियाँ वो समस्त कहानी आ रही हैं, उसको कहा जाता है इतिहास। और फिर हमारे होते हैं उपनिषद। उपनिषद जो वेद श्रुति मंत्र का भाग है। उपनिषद क्या है? उपनिषद के अंदर उपनिषद का अध्ययन कौन करता है? उपनिषद का अध्ययन पर्टिकुलरली ज्ञान युग का जो पालन करते हैं वो करते हैं। उपनिषद के अंदर उन मंत्रों का वर्णन है या उस ज्ञान का वर्णन है जो व्यक्ति भौतिक कर्मकांडी उपनिषद में कभी नहीं जाते। वहाँ पर सेक्रीफाइसेस के मंत्र नहीं हैं, वहाँ पर विष्णु की आराधना या पूजा कैसे करी जा सकती है अलग अलग मंत्रों से, उस प्रकार से वो मंत्र आते हैं जिनको उपनिषद मंत्र कहा जाता है। जैसे भगवद्गीता 13 अध्याय है, 13वां टेक्स्ट, जो वो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रमाणिक रूप से उपनिषद में चर्चा होती है। मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञानम क्या है, यू नो, इस प्रकार से उपनिषद का सब्जेक्ट मैटर है। एंड दैट इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट, क्योंकि वेदास, वेदास हमने सुना है, क्या है वेदास लोगों को स्पष्ट नहीं होता है, तो उसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है। टेक्स्ट नंबर 12, मत्स्यो युगांत समये मनु नोपलब्धा शोनी मयो निखल जीव निकाय केता विषमशितान रुभये शलिले मुखान मे आदाय तत्र विजहार हवेद मार्गान। कौन से अवतार का वर्णन हो रहा है यहाँ पर? अमस्य अवतार की। सो ये भविष्य में आने वाले अवतार का वर्णन हो रहा है और कहा गया है, पढ़िए। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जलराशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो हमने प्रामाणिक आनंद, व्हाट एग्जैक्टली प्रामाणिक मींस, व्हाट आई मीन टू से, प्राइमरली वी हैव हर्ड तीन प्रकार के प्रलय, महाप्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय। प्रभुपाद तात्पर्य में चौथे प्रकार के प्रलय का वर्णन करते हैं जो मनवंतरा या मनु का समय समाप्त होने के बाद
होता है। और वो प्रलय में क्या होता है, प्रलय में धरती तक के जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है। तो जिन्होंने अपने पिछले, क्योंकि ये मन मंत्र अवतार हैं, तो ये समय के साथ रिपीट करते हैं। तो ब्रह्मा को पता है भगवान ने कल भी आके दर्शन दिए थे, ऐसे तो आज भी आने वाले हैं दर्शन देने के लिए। उनका फिक्स्ड स्लॉट है, सातवें मनु में आकर ये लीला करेंगे। टेक्स्ट नंबर 13। ये वर्णन आपका मेरे ख्याल से आठवें स्कंद में आता है, मत्स्य अवतार के बारे में, ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में ही। शीरो दावर दानव यूत पानां उरु मथन सॉरी उन मथन ताम अमृत लब्ध आदि देवा प्रष्टेन कच्छप वपु विदधार गोत्रम निद्राक्षनो द्रिपरिवर्त कशान कंडू। अच्छी भागवतम के जो श्लोक है ना, उसको रिसाइट करना सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि हर श्लोक में मीटर बदल जाता है। आप भगवद्गीता देखेंगे, भगवद्गीता में अधिक से अधिक मैक्सिमम यू नो चतुर्वर्ण मयाषष्टम गुणा कर्मा विभागशा यू नो इट्स वेरी सिंपल मीटर, यू कैन सिंग विद इट। पर इसमें क्या है ना, हर श्लोक के जो श्लोक हैं उसमें संख्या, शब्दों की संख्या बदलती रहती है, और जैसे शब्दों की संख्या बदलती है तो आपका मीटर बदलता है। अपने को तो मीटर आता नहीं है, अपन तो बेसुर, तो जो दो तीन मीटर आता है वही फिट करते रहते हैं हम लोग यहाँ, क्योंकि ऑफकोर्स पॉइंट इज संस्कृत हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो फाइन, ऑलराइट, ओके, दैट्स अ पॉइंट। सो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, सो वी ट्राई टू फिट सम मीटर हियर एंड देयर। ओके, तो कौन से इनकार्नेशन का वर्णन हो रहा है यहाँ पर? हाँ, हाउ डू यू नो टॉर्टाइज, बताओ, ट्रांसलेशन पढ़ा ना, इतना उत्साहित हो रहा है। कौन सा शब्द है संस्कृत का? हाँ, कच्छप। कच्छप का मतलब टॉर्टाइज। यस, कच्छप बाबू, टॉर्टाइज इनकार्नेशन। तो ये टॉर्टाइज इनकार्नेशन कौन सी लीला में आता है? समुद्र मंथन लीला, जिसका विस्तार से आठवें स्कंद में वर्णन होता है। एक ऐसी खूबसूरत लीला है जो सब कुछ भगवान ने करा, सब कुछ भगवान ने करा, एटलीस्ट यू नो इट्स वेरी फैंटास्टिक। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ इट, बट द पॉइंट इज देवता गण हार चुके हैं, असुर बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, ब्रह्मा इत्यादि सब भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं, भाई तुम्हारा काल, तुम पर शनि बैठा हुआ है, तुम्हारा काल अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जाकर असुर के संग ट्रूस यू नो युद्ध खत्म करो और समझौता करो, और जाके उनसे कहो कि हम मिल्क ओशन जो है, दूध का सागर, उसका मंथन करेंगे। और मंथन करेंगे तो मंथन से निकलेगा आपका अमृत, और हम लोग आपस में बांटेंगे। तो दोनों पार्टी सोच रहे हैं, अबे आपस में बांटेंगे, मैं लूंगा। देवता सोच रहे हैं, भगवान ने कहा है तो भगवान हमें दिलवा के रहेंगे। असुर सोच रहे हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम देवता से तो वैसे ही भी ले लेंगे। बट सामने सामने यस, क्यों? क्योंकि बिना दूसरे पार्टी के सपोर्ट के मंथन नहीं हो सकता, दोनों का ही हाथ लगेगा। तो यहाँ पे अब मंथन समुद्र का, हाँ ये आप लोटे में दही नहीं मत रहे हो, समुद्र का मंथन कर रहे हो। तो समुद्र का मंथन के लिए रोप क्या होगा, मंथन करने के लिए जो मंथन के लिए जो मशीन है वो क्या होगी? तो भगवान बताते हैं, मंदरा माउंटेन, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, जो सोने का पर्वत है, वो लेकर आओ। तो भगवान मतलब इतनी बढ़िया लीला रचते हैं ना, सारा मेहनत का काम किसे करवाते हैं? देवताओं असुरों से, खुद जाके बटन दबा कर आ जाते हैं। तो यहां बोलते हैं देवताओं असुरों, जाओ मंदरा पर्वत लेकर आओ। तो जाते हैं, मंदर पर्वत लेकर आते हैं। देखो सोना जो होता है, मेटल इज हैवी देन स्टोन, तो कितना हैवी होगा सोने का पर्वत। सोने का पर्वत लेकर आते हैं, आधे तो रास्ते में मर जाते हैं कुचल कर। तो भगवान कहते हैं, अरे तुम लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो गरुड़ जी को लाते हैं, फिर एक बार जैसे गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था ना, फिर एक बार मंदर पर्वत को उस प्रकार अपने उल्टे हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पे रखते हैं।
खुद भी बैठते हैं, सभी असुर देवताओं को भी लेकर बैठते हैं। सोचो गरुड़ जी कितने विशाल होंगे, हाँ जी नहीं, सबको लेकर गरुड़ के ऊपर बैठते हैं। फिर इस क्षीर सागर के पास आते हैं, वहां पर गरुड़ जी मंदर पर्वत को उतारते हैं। भाई पर्वत तो आ गया, हाथ से थोड़ा करोगे, अब रस्सी भी तो चाहिए। ऐसी कौन सी रस्सी हो सकती है जो मंदर पर्वत के चारों तरफ बंध जाए और जब कर्षण होगा तो टूटे ना। यस, तो उसके लिए बुलाया गया वसुकी को। तो वसुकी पहले तैयार नहीं हुआ, बोला मजाक कर रहे हो, घसीटोगे मुझे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। एक तरफ असुर खड़े होंगे, एक तरफ देवता खड़े होंगे, पकड़ के घिसोगे मुझे सोने के पर्वत के। तो सबने बोला चिंता मत करो, जो अमृत निकलेगा ना उसकी कुछ डॉट तुम्हें भी दे देंगे। तो वासुकी ने सोचा अरे भाई लंबा जीवन चाहिए, किसको नहीं चाहिए लंबा जीवन, ठीक है देखे तैयार हो गया। सच्चा ब्यूटीफुल पास्ट टाइम ना। तो जब असुर और देवता खड़े हो गए, घसीने लगे, कर्षण करने शुरू हो गए, तो इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन आता है वसुकी स्थिति का। बताया जाता है वसुकी की हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, आंखें सॉकेट से बाहर निकल आई, जिब्बा भारी टगी रह गई, और वो प्राण त्यागने वाला था, छोड़ दो मुझे। और अमृत निकल के ना दे, पहले निकला तो हलाहल निकला, फिर अप्सराएं निकली, घोड़े निकले, हाथी निकले, वासुकी बोल रहा है भाई मैं इसके लिए तोड़ना आया था, और फिर भी देवता किसने में लगे हुए। जब उसके प्राण निकलने ही वाले थे, ऑफकोर्स लॉर्ड इनकार्नेटेड मेनी टाइम्स मोर, यू नो उस समय आश्री, हाँ सॉरी, उस समय क्या होता है जब कर्षण करना शुरू हुआ तो पर्वत जो अब समुद्र में डाला है, समुद्र बहुत डीप है, तो डूबने लगा। तो फिर देवता असुर निराश हो गए, क्या है इतनी मेहनत करवाई अब पर्वत भी डूब गया, तब क्या करें। तो फिर भगवान टॉर्टॉइस का रूप धारण करके आते हैं अपना, मतलब यू नो सपोर्ट देने के लिए। तो बहुत खूबसूरत लीला, एक्चुअली बहुत सारी लेसन्स हैं, बट द पॉइंट इज वंस अगेन लॉर्ड शोज विदाउट माय शेल्टर मथा परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे शेल्टर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उसका वर्णन हुआ है जब भगवान ने टॉर्टॉइस का रूप लिया, उनके ऊपर मंदर माउंटेन रखा गया, और जब मंदर माउंटेन का कर्षण हो रहा है तो टॉर्टॉइस को लग रहा है कोई मेरी मसाज कर रहा है, तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था, उस प्रकार की लीला का वर्णन है। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं फेथ शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा अरे मेरे पे सोने का दांत नहीं, तू कह रहा है सोने का पर्वत है, सोचने वाली बात है। और यहाँ पे टॉर्टॉइस इतना बड़ा टॉर्टॉइस जिसके ऊपर सोने का पर्वत रख दिया, और एक इतनी बड़ी वासुकी सांप, तो ये तो काल्पनिक लग रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, कुछ तो चीजें हमारे एक्सपीरियंस के परे होती हैं, हमारे एक्सपीरियंस के परे इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। ऋषि मुनि जो चार विकारों से परे हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि को देखा है, उनके द्वारा बताई हुई ये कहानियां हैं, ये गलत नहीं ये सही है। तो भरोसा जीवन में, हमें किसी पे भरोसा करना है तो हमें शास्त्रों पे भरोसा करके चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 14, त्रैपिस्तपोर्भयहासन सिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भृकुतिदमस्त्राकरालवक्त्रं दैत्यन्द्र आशुगदयाभिपतन्तम् आराद उरुनिपात्य विदधारनखे स्फुरन्तम्। किसका वर्णन हो रहा है? नरसिंहदेवानगी नरसिंहरूपं का वर्णन आ रहा है, आखिरी में नखे स्फुरन्तम्, उनके नेल्स का भी वर्णन आ रहा है। ट्रांसलेशन प्लीज। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा मुख भयावने लग रहे थे। ये सातवें स्कंद के अंदर नरसिंह भगवान की या प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा आती है, करीबन 7-8 अध्याय, बहुत विस्तार से। तो सबसे पहली चीज इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान सदैव अपने भक्तों के वचनों का संरक्षण करते हैं। हमने ब्रह्मा जी ने भी कहा था ना, तो नरसिंह देव क्यों अवतरित हुए? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्या रे तेरा भगवान है क्या यहाँ पर? प्रहलाद ने कह दिया है। अब पता नहीं था, पिताजी चेक करेंगे, पिताजी चेक करने के लिए चले गए,
देखो भगवान कितने सतर्क रहते हैं। अब प्रहलाद नहीं सोचा था, पता था पागल आदमी कुछ भी बोलता रहता है ये, तो आज भी इसने पूछा मैं इधर उधर हाथ पर हिला दूंगा क्या फर्क पड़ता है। बट प्रहलाद सेड कैजुअली, बट सी हाउ लॉर्ड इज सो कॉन्शियसली पेइंग अटेंशन टू व्हाट एवर वी डू, क्योंकि भगवान ने देखा अरे प्रहलाद ने कह दिया हिरण्यकश्यपु परीक्षा लेने जा रहा है, तोड़ने वाला खंभा, नरसिम्हदेव उस खंभे में उपस्थित हो गए, उस प्रकार अवतरित होते हैं। दूसरी चीज, ब्रह्मा ने वरदान ऐसे दिए कि भगवान को इस प्रकार का रूप धारण करके आना पड़ा। तो जिस प्रकार भगवान नरसिम्ह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, उन्होंने किसी भी ब्रह्मा के वचनों को झूठा नहीं होने दिया। सो ये लीला कहने को तो वैसे स्वर्ग में हुई है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु स्वर्ग के राजा बन चुके थे, बट बताया जाता है कि ये लीला पृथ्वी पे भी हुई है। और ये जो स्थल है जहाँ पे बताई जाती है लीला हुई है, उसका नाम है अहोबिलम। तो हम लोग सितंबर में अहोबिलम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेटरी चेतना डेवलप करने के लिए। सो अगस्त में जन्माष्टमी, जब तक तो दोनों हमारा सबका हो ही जाएगा ना सेकेंड वैक्सीनेशन, और बारिश का सीजन खत्म होते ही अहोबिलम की पहाड़ियाँ, वहाँ पर जहाँ नरसिम्हदेव अवतरित हुए, वो आज भी घनिष्ठ जंगल है, वहाँ भक्तों के अलावा कोई नहीं जाता है, यू नो भक्तों के अलावा कोई और अगर रहता है तो शेर रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम में जाया जा सकता है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वहाँ पर 9 विग्रह हैं नरसिम्हदेव के जो स्थापित हैं, जो स्वयंभू हैं, अपने आप ही अवतरित हुए हैं। क्या अवतरित हुए हैं, कैसे अवतरित हुए, वो कहानी वहाँ चर्चा करेंगे, बट जस्ट लेट यू नो, होपफुली विल बी एबल टू गो, होपफुली देर विल बी नो थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव अप टू दैट टाइम। सो प्रभुपाद इस सातवें वर्ष में कहते हैं, आखिरी लाइन में बोलते हैं, इस लीला में एक और शिक्षा मिलती है, अनेक शिक्षाएं हैं, संक्षिप्त वर्णन हो रहा है यहाँ पे। द प्लान्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक गॉडलेस सिविलाइजेशन आर पुट टू डस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई कितना ही बड़ा बड़ा क्यों ना प्लान मेकिंग करे, पर जो गॉडलेस सिविलाइजेशन के द्वारा जो भी उनके द्वारा बनाया जाता है, वो समय के साथ सब समाप्त हो जाता है। इस पैराग्राफ की आखिरी 3-4 लाइन पढ़ सकते हैं। इस परिस्थिति में भगवान शिव नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकश्यप को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान श्री भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। यस, सो विल कंक्लूड हियर बाय जस्ट रिसाइटिंग 15 श्लोका, एंड उसको हम आगे पढ़ेंगे, कल से कई समय हो चुका है। टेक्स्ट नंबर 15। अन्तासरस्य उरुबालेन पादग्रहीतो ग्राहेन यूतपते अम्बुजा हस्त आर्था आहेदमादि पुरुषाखिल लोकनाथा तीता श्रवा श्रवण मंगल नाम देया। एनी गेसेस इनके बारे में? गजेंद्र, कैसे पता चला गजेंद्र? कहाँ है हाथी तुम्हें दिखा? चीटिंग तूने फिर ट्रांसलेशन में देखा कहाँ बताओ, सेकंड लाइन में कहाँ लिखा है? हस्त नहीं है, युद्ध पातेर है, हस्त है ही नहीं शब्द यहाँ पर, अभी अभी मैंने पढ़ा है, हस्त है ही नहीं, अंबुजा, अरे दैट इज हस्त इज हैंड, हाथ में लोटस को पकड़ा हुआ है। So, all right, okay. कल चीटिंग मत करेगा, पर इसी प्रकार आगे के श्लोक पढ़ेंगे, इसी के साथ समाप्त करते हैं। यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष के पास टाइम का वर्णन हो रहा है, जो भगवान विष्णु समय अवतरित हुए थे उन विष्णु का वर्णन हो रहा है 15-16 श्लोक में। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम की, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्राची माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। Yes. Prabhuji, my question is also from yesterday. We discussed different avatars, which avatar banana avatar and so Prabhuji, I wanted to know, like you mentioned at one point, like
एक्चुअली जो अभी जो जो वर्णन हो रहा है इन सब का जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है श्रीमद् भागवतम के अंदर. तो आपको ये समझना चाहिए श्रीमद् भागवतम जो बोली गई थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को, उनके पास सिर्फ 7 दिन थे सुनने के लिए. अगर 70 साल होते तो भी कम पड़ते भगवान के अवतारों का वर्णन करने के लिए. इसलिए सिर्फ कुछ अवतारों का वर्णन हुआ है. भगवान श्री कृष्ण इसलिए 10वें स्कंद के अंत में कहते हैं भगवद्गीता के, मेरे अनलिमिटेड एक्सपेंशन है, अनलिमिटेड विभूति हैं, कितना ही वर्णन कर लो उतना ही कम है. उस प्रकार से तो यहाँ कुछ वो कुछ भी कुछ कम नहीं है. अभी आप आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्णन आएंगे, यू नो. सो उस प्रकार से ऑल राइट. हरे कृष्णा. नेक्स्ट हैंड इज रेज़ फ्रॉम संतोष प्रो. संतोष प्रो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु. यस प्रभु, यू आर टेलिंग अबाउट दैट आपले एंड नैमित्तिकले एंड फाइन, व्हाट्स अ क्वेश्चन? तो वो 11वें स्कंद में ये विस्तार से चर्चा आती है. मैं आप लोगों को वो सेक्शन भेज दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं. बट नैमित्तिक का महाप्रलय, नैमित्तिक का प्रलय, नित्य प्रलय. महाप्रलय ब्रह्मा के जीवन के अंत के बाद, नैमित्तिक का प्रलय ब्रह्मा के दिन के अंत के बाद, और नित्य प्रलय जो सदैव चलता रहता है जन्म मृत्यु, उसको कहा जाता है नित्य प्रलय. ऑल राइट. उसके अलावा प्रलय आता है जो यहाँ वर्णन करा गया है मनवंत्र के समय के समाप्त होने के बाद, और एक और प्रलय होता है जो युग परिवर्तन होता है उस समय भी प्रलय आता है. ये भौतिक जगत प्रलय की ही कहानी है, सदैव प्रलय चलता ही रहता है. ओके यस, हरे कृष्ण. नेक्स्ट हैंड रेज इज फ्रॉम संध्या माता जी. संध्या माता जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. यस माता जी. हाँ जी. उसमें एक हैग्री हम वो भी पढ़ते हैं जब एक आगे से वो बेच चुराते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो वो थोड़ा तो है तो सिमिलर नहीं है एक्टिविटी डिफरेंट. यहाँ पे वो अस्तु से बेच चुरा कर लेकर यहाँ पे ये कृष्णा का इतार है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस, हरे कृष्णा. नेक्स्ट देर इज हैंड रेज फ्रॉम जयंती माता जी. जयंती माता जी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन. यस माता जी. जब तक तो मैं वो चैप्टर पढ़ी थी मुझे नहीं पता था, मतलब उन्होंने बहुत को शिक्षा दिया वो, और लास्ट में जो बुद्ध अवतार हैं. बट जैसे मैंने बताया कलयुग में एक समय पर इस प्रकार एक राजा प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इस इतिहास को कि कैसे वो राजा बड़ा प्रभावित हुआ था ऋषभदेव के जीवन शैली से. उन्होंने उस समय उस प्रकार ऋषभदेव के द्वारा समान जीवन जीने का प्रयत्न करा, और उस प्रकार उन्होंने वेदाओं को नकारते हुए एक नए धर्म का रचना करी जिसको कहा गया जैनिज्म. तो जैनिज्म सब कुछ सेम है, यू नो, जो भक्ति मार्ग में कहिए या वैदिक प्रिंसिपल्स वैदिक शास्त्र में जो कहा गया है. धर्म की बात आती है बिल्कुल एक समान है, सिर्फ अंतर क्या है, भगवान की परिभाषा नहीं है और शास्त्र को नकार दिया है. पॉइंट इज आप जब और कभी भी स्क्रिप्चर्स को हटा देते हैं या इग्नोर कर देते हैं तो आप भगवान को तो कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान को जानने का माध्यम ही शास्त्र है.
just a modern science. Modern science can never understand God. क्यों? क्योंकि शास्त्र को उन्होंने नकार दिया है. जब तक शास्त्र का रेफरेंस नहीं है तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते. उसी प्रकार आज के मॉडर्न रिलीजन्स, जो मॉडर्न रिलीजन्स में इतना भगवान को लेकर चर्चा आती है, भगवान के नाम पे सिर्फ हिंसा चल रही है. भगवान के नाम पे मतलब कहाँ ऐसा आया है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास ना करे उनको मार दिया जाए, वो काफिर हैं, वो सेटन है, इत्यादि इत्यादि जो बात बोली जाती है. और वो भी ये जो धर्म है शास्त्र के खंडन करके ही बने हैं या एक प्रकार से अपने अनुसार बने हैं, तो उनमें भी भगवान को किसको प्राप्ति होती है? भगवान की, भगवान का कुछ मतलब ही नहीं है. भगवान को अगर हल्का सा भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इट्स मोर ऑफ अ इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. इसलिए इन धर्मों में आप इनके मंदिर में जाते हैं या जो भी उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ कोई विग्रह नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे ग्रंथ रखा रहता है. क्यों? क्योंकि उनके भगवान के स्वरूप का उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. भगवान किसके संग हैं, अकेले हैं, उनका परिवार क्या है, माता पिता कौन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो जब जब व्यक्ति शास्त्र को नकार देता है तब मतलब वो बाय डिफॉल्ट बिकम्स एन एथिस्ट. अब उस एथिज्म को आप अलग अलग खूबसूरत नाम दे सकते हैं, यू नो, अलग अलग धर्म कह सकते हैं, बट वो एथिज्म ही रहता है. ओके प्रभु जी, मतलब ये ऋषभ देव का कुछ इसमें ऋषभ देव तो भगवान के अवतार हैं. उन्होंने जड़ योग शिक्षा दी जिसके माध्यम से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है. पर जो कलयुग में जब ये इस मार्ग का पालन होना शुरू हुआ, तो जो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले इसका पालन किया, कलयुग में जो वर्णन आता है, तो उन्होंने वैदिक संस्कृति, संस्कृति नहीं, वैदिक शास्त्रों को ही नकार दिया. और उन्होंने जब उस नियमों का पालन करा, वो वैदिक शास्त्रों को नकार के किया. उस प्रकार यू नो जैनिज्म, या जिसको कहा जाता है जैनिज्म आज की तारीख में, अगेन जैनिज्म पूर्ण रूप से धर्म का पालन करता है. ओनली कैच इज उन्होंने वैदिक शास्त्रों को नकार दिया. एंड दैट इज अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. जब जब व्यक्ति वैदिक शास्त्र को नकार देता है, जैसे कि एक बालक ने अपनी माँ को नकार दिया, जब माँ ने बेटे ने माँ को नकार दिया तो पिता का पता कैसे चलेगा? वो तो माँ ही है ना जो बेटे को बताएगी कि मेरे पिता मतलब तुम्हारे पिता कौन है, यू नो, बाकी तो सब स्पेकुलेशन है. उस प्रकार से ऑल राइट, थैंक यू. हरे कृष्ण. नेक्स्ट देयर इज हैंड रेज फ्रॉम विनायक रूप. विनायक रूप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन. लीला के ऊपर इतने सारे प्रश्न, तो मुझे लगा शायद कोई प्रश्न नहीं होगा आज. हरे कृष्ण, धन्यवाद. कहाँ पे? यहाँ जो वर्णन चल रहा है, मैं ब्रह्मा जी को व्हाट्सएप करता हूँ अभी, बोलता हूँ विनायक जी को बहुत बुरा लगा आपने क्रोनोलॉजी नहीं बताया, वो कंफ्यूज हो गए बेचारे. एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, आई विल पास योर रिक्वेस्ट टू ब्रह्मा जी. ओके, इज एनी अदर क्वेश्चन अभिषेक? Medhavani Mataji, you can unmute yourself and you can ask question. Okay, my question is, yes, in one of the purports, I mentioned how up to 25, Brahmachari, 50, and from 50, you move to another purport. Prabhupada mentioned that some of the questions, it is not necessary that you have to take a part. But they have his atonement, he continued the normal ratio. How should he plan his life, say at age of 60 or so? You can digress.
So how Vanaprastha being practiced today in ISKCON is after जब माता पिता ने अपने बच्चों का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था एजुकेशन शादी वो सब पूर्ण हो जाए उसके बाद ज़्यादातर देखा जाता है दिस इज़ वॉट इज़ बिंग रिकमेंडेड दैट द कांग्रीगेशन ज्वाइंस फुल टाइम इन टेम्पल सर्विसेज क्योंकि अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है उन्होंने जितना धन कमाना था अपने भविष्य की यू नो हेल्थ और सब देखभाल करने के लिए वो सब आ चुका है so now they become full time you know devotees full time devotees means they serve full time wo mandir mein alag alag prakar ki seva le sakte hain and this is very very important this is called as exit plan so har grahasth ko apne jeevan mein is prakar ek exit plan ki taiyari karni chahiye planning karni chahiye family planning ke sath sath exit plan ki planning bhi bahut important hai hame pata rahe ki hame kitna kamana hai kya kamana hai kis prakar se jeevan jeena hai और किस एज तक मैं इस जो भौतिक मेरी क्रियाएं हैं उनसे बाहर निकलकर पूर्ण रूप से भक्ति में लग सकूं क्योंकि अंत में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है यू नो कि हम 100% अपने आप को डेडिकेट कर सकें उसके लिए उस प्रकार एग्जिट प्लान बनाना आवश्यक है कुछ लोग जो आपने कहा कि वृंदावन मायापुर में घर खरीद लेते हैं ज़्यादातर ये किसी के संग सलाह मशवरा करके डिसीजन नहीं लिया जाता ये अपने इच्छा अनुसार भक्त लोग खरीदते हैं दैट इज़ फाइन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट इट्स जनरली नॉट रिकमेंडेड पर्टिकुलरली धाम में जाकर रहना जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तब तक धाम में जाकर नहीं रहना चाहिए दूसरी चीज प्रभुपाद ने हर मंदिर को वैकुंठ के समान उसको एस्टैब्लिश करा है तो जो रिटायरमेंट एज है या अपने यू नो जो घर बार की जो सेवा थी उसे समाप्त करने के बाद इज नॉट अ टाइम टू टेक रिटायरमेंट अगर रिटायरमेंट करेंगे मतलब यू नो वी गो टू वृंदावन और मायापुर वहाँ पर जाकर हम रहेंगे वी रियली कैन नॉट लिव एक्चुअली जब तक व्यक्ति की चेतना उस प्रकार से शुद्ध ना हो कि वहाँ जाकर वो 64 माला नाम जप कर सके यू नो भगवान के शास्त्रों का अध्ययन कर सके जब तक चेतना उस स्तर पर नहीं पहुँची है तब तक बहुत बहुत रिस्की होता है इस प्रकार के निर्णय या डिसीजन लेने के लिए क्योंकि वहाँ पे जाकर हम लोग अभी आ रहे हैं इस प्रकार की वर्ल्डली लाइफ से उस वर्ल्डली लाइफ में हमने पॉलिटिक्स देखा है डिप्लोमेसी देखा है सब कुछ देखा है उस प्रकार के इम्प्रेशंस बने हुए हैं और उसी जीवन को लेकर अभी हम वृंदावन या मायापुर धाम में भक्तों के समाज में रहने का प्रयत्न करते हैं जहाँ पर हम ज़्यादातर लोग को अभी जानते भी नहीं है क्योंकि हमारा कल्टिवेशन हमारी ग्रोथ किसी और कम्युनिटी में हुई है उसको छोड़कर एकदम से ऐसा निर्णय करके लेकर जाना हो सकता है वहाँ पे जाके हम लोग भक्तों के बीच में फिर हम गलतियाँ ढूंढना शुरू कर दें हम फॉल्ट फाइंडिंग करें विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस तो इसलिए जो अभी हमारा ISKCON का मूड है वो यही है हर जगह कम्युनिटीज़ बनाना जहाँ मंदिर हो और मंदिर के आसपास गृहस्थों के रहने के लिए जगह हो और पूर्ण जीवन आप वहीं पर रह के अपनी सेवा करें अंत में करना क्या सेवा ही तो करनी है और उसके बाद जब समय मिलता है जैसे जैसे एज होती है आप कुछ कुछ महीनों के लिए वृंदावन मायापुर धाम में होकर आ सकते हैं पर वृंदावन मायापुर धाम भी जाएंगे तो वहाँ क्या करना है सेवा ही तो करनी है यू नो प्रभुपाद डिड नॉट एस्टैब्लिश अ कल्चर ऑफ भजनानंदी यू नो जाके बैठो भजन करो प्रभुपाद ने कहा वो पॉसिबल नहीं है आज की तारीख के लोगों के लिए यू नो प्रभुपाद एस्टैब्लिश घोषणानंदी मतलब जो आपकी साधना का स्केड्यूल है उसको पालन करो उसके बाद जाके सेवा करिए उस प्रकार व्यक्ति जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर सकता है अदरवाइज इज लिटिल रिस्की दैट्स अ थॉट ऑन इट सो ऑल राइट थैंक यू सो मच इज 9:15 यस ओके ओके this question is also in the same purport actually. Yesterday you were explaining in detail how a male body is for the purpose of leadership and a female is generally supposed to assist you know the husband or so generally when we become devotees so the first instruction that's generally given is you know you have to understand the shastra you know from the guru from the devotees and you also explained in this class or in some other related class that
that the study of Vedic literatures is for men. You also gave the example of how Gurukul was established, where the boys are sent. And the girls generally have to build up the emotional quotient so that they can support the father or the husband or the brother or, you know. Fine, fine. What's, come to the point. So the question is, what's the role of women in the 21st century? Precisely, you're coming to that point. I'm saying, you know, whether in the 21st century, 20th century, or in the Bhavish future, when Prabhupada was told that, you know, you have to study the Vedic scriptures, and once you have this knowledge, you can utilize the skills and resources that you have, you know, fine, to engage in emotional service. So how far have you told in terms of man studying and man leading and women following and supporting? How does that, is it relevant in today's day and time? Thank you. So when it is mentioned about Vedic scriptures, that at those places it is not mentioned about the study of Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Wherever it is mentioned in our Prabhupada purpose or Vedic scriptures, it refers to Shruti mantras, scriptures like Upanishad and all that. That even man today does not have that intellectual ability to understand. First of all, to clarify. So, scriptural study, if you talk about, then it refers to Srimad Bhagavatam or the Bhakti Shastras. When you say Vedic scriptures, you know, so that is in context of the discussion which is going on. That's the first thing. Second thing was, that's what I understood you were talking about, study part of it. Regarding the part of that, the question that is coming from is the first session of Vedic psychology, Are Man and Woman Equal? Where the Krishna's divine system was discussed, where a male vehicle is designed for something and a woman vehicle is designed for something. Now, we have to understand the subject matter also in the context of where we are today. The discussion was how Krishna's divine system function. Question is not that, can we live by it today or not? To the degree we align it ourselves to Lord's divine system, to that degree we'll be peaceful. Otherwise, we'll keep on struggling. To struggle or to become peaceful is an individual choice. Nobody is dictating anyone about what path or what kind of life you want to live. Because of not having any background in Vedic culture, for most of us at large, not having training accordingly, who is man, who is woman, is a difficult question. Psychologically, physically, externally, we may look like a man and woman, but in our psychology, which actually was a very major portion of our education that was given before in Vedic Gurukul, or the education given to the mothers by their respective mothers, the focus and emphasis was to cultivate their mind, to strengthen their abilities according which are coming as a part of the vehicle. Unfortunately, that is not there today. So there's no point of reconciling it today. But to your degree, we can at least intellectually appreciate how scientific the system was. And if we can learn something from it in terms of etiquette and culture that we can practice, we should do that. But point is, we can only be successful, we can only be progressive to the degree we align with it. If we don't align with it, if we continue our way, there would always be challenges. And matter of fact is, it's a fact. Even within our ISKCON communities, the divorce rate is very high. You know, and why it is high? That's a subject matter in itself. It goes back to, again, not able to reconcile each other's rules. So that's the details of it. So we have to, for example, the point I'm trying to make is, we're coming from the materialistic way of living, where we're trying to adapt to spiritual lifestyle. We adapted to spiritual lifestyle, we adapted to spiritual culture, we adapted to spiritual, the dress, the look and everything. The point is, has our consciousness accepted a spiritual culture and a way of living? And that is what Lord Shri Krishna says in second chapter, Yanisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagrati Samyami, which means what is night for a materialist is a day for a spiritualist. It is not in the context of sun and the moon.
it also has a lot of meaning pertaining to what kind of desires are we cultivating. Are we getting more inclined towards the Vedic culture, way of living, or we are just externally practicing spiritual culture, but internally we still are more up for the modern way of living. So that's for all of us to think on that. All right. So nobody is dictating anyone's terms. Everyone has to follow their own way of living. Or else, if there are certain issues, there needs to be properly directed and consulted with the proper authorities for that purpose, or mentors for that purpose. But we cannot not study what the Vedic culture was. We cannot not study how Krishna had designed the system of society and how people are supposed to live. That only actually helps us increase our appreciation and faith in Vedic culture, and that helps us to progress. So that's it for today. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.